हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कॉमन डिजीज़ ह्यूमंस के बारे में पढ़ा। आज भी हम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें देखेंगे अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथीज एक्सेट्रा। हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स में जो वाइड रेंज की बहुत सारी डिजीज़ होती है वो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन्स और हेलमिंथीज के थ्रू होती है। कुड काज डिजीज इन मैन, सच डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके द्वारा ह्यूमन बींग्स में डिजीज होती है उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। दैट मीन्स वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथीज, इन सबको हम क्या कहेंगे? पैथोजेंस कहेंगे, ठीक है। मतलब डिजीज काजिंग एजेंट्स is known as pathogens. Most parasites are therefore pathogens as they cause harm to the host by living in or on them. हम देखते हैं जो बहुत सारे parasites होते हैं, इनके अलावा जो pathogens होते हैं ये host के body में enter करते हैं और उसमें disease cause करते हैं। और जो host होते हैं वो host की बॉडी को पूरी तरीके से डैमेज करते हैं। दैट मीन्स होस्ट को जो पैरासाइट्स होते हैं या फिर जो डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ये होस्ट के बॉडी को डैमेज करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। द पैथोजेंस कैन इंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। जो पैथोजेंस होते हैं, दैट मीन्स जो माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में वेरियस मीन्स के थ्रू इंटर करते हैं और उसमें वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं और अपनी जो वाइटल एक्टिविटीज़ होती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, उस एक्टिविटीज़ को डैमेज करते हैं, जिससे अपनी मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल तरीके से अपनी जो बॉडी होती है डैमेज होती है। उसकी मॉर्फोलॉजी और जो डिफरेंट टाइप की फंक्शंस होती है उस फंक्शंस को डैमेज कर देते हैं ये पैथोजेंस। पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट टू द होस्ट। इनके अलावा जो पैथोजेंस होते हैं उन वो अपनी लाइफ को होस्ट के बॉडी के अंदर या फिर जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं होस्ट के बॉडी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजन दैट इंटर द गट मस्ट नो अबी सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिज्म आर डिस्कस हियर अलोंग विद द डिजीज कॉज्ड बाय देम। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दिस डिजीज इन जनरल आर आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब्ड। जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो अपने बॉडी के गट में पूरी तरीके से इंटर करते हैं। इसमें ज़रूरी है कि जो स्टमक होती है उसकी जो पीएच होती है बहुत ही लो होती है। ऐसे में वो जो स्टमक होती है वो वेरियस टाइप के एंजाइम्स का सिक्रीशंस करती है और इसमें भी वो जो वायरस होते हैं वो अपने आप को रेसिस्ट कर लेते हैं। कुछ और भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेंस हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, उनके बारे में और उनसे कौन कौन सी डिजीज होती है उनके बारे में हम इस चैप्टर में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे और हम देखेंगे इनकी क्या प्रिवेंटिव और कंट्रोल्स मेजर्स अपनानी चाहिए जिनसे इन रोगों से छुटकारा पाया जा सके। इनके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्टली हम देखेंगे कि कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो कॉमन डिजीज़ है, उस कॉमन डिजीज़ के बारे में हमें पूरी तरीके से हम लोगों को जानना है कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ होती है जो इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पूरी तरीके से फैलता है। उनमें हम देखेंगे एक है सालमोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच काज
टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग्स। हम देखेंगे सोलमनेला टाइफी एक पैथोजेंस है जिसके थ्रू टाइफाइड फीवर ह्यूमन बीइंग्स में फैलता है। दिस पैथोजेंस जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड्स। देखेंगे ये जो पैथोजेंस होते हैं वो जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से इंटर कर जाते हैं फूड और वाटर के थ्रू। दैट मीन्स जब हम कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर को यूज करते हैं तो इनसे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाते हैं। सस्टेन फीवर 39 to 40 degrees Celsius, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। इस डिजीज के कुछ सिम्टम्स हैं वो हाई फीवर्स होती है, वीकनेस, स्टमक, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सारी इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं इस डिजीज की। इंटेस्टाइनल परफ्रेशंस एंड डेथ में अकर इन सेवर केसेस। ठीक है, जो टाइफाइड है इसके बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि ये फेटल डिजीज हो जाती है, इससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ये जो टाइफाइड डिजीज होती है, जो टाइफाइड फीवर्स होती है, इसकी टेस्टिंग की जाती है जिसके थ्रू हम जान पाते हैं कि इस व्यक्ति को ये फीवर, दैट मीन्स टाइफाइड फीवर या टाइफाइड डिजीज़ है कि नहीं है। तो इसके लिए हम विडाल टेस्ट को यूज कराते हैं, यूज करते हैं, इसके थ्रू जान पाते हैं कि इस व्यक्ति को टाइफाइड है या नहीं है। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट दे में मेलन दैट ऑफ मैरी मेलन निक नेम्ड टाइफाइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग हेयर। इनके अलावा देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्लासिकल केस में कुछ इसके मेडिसिन को यूज़ की जाती है। इनमें एक मैरी मेलन हुई जिनका निक नेम टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में यहाँ मेंशन किया जाएगा। शिवाजा कुक बाय प्रोफेशन एंड वाज टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यूड स्प्रेड टाइफाइड फ्रॉम सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये एक इनके द्वारा इनका जो प्रोफेशन था वो कुक था। इनके अलावा ये टाइफाइड की कैरियर्स हुआ करती थी जिनको जिन्होंने लगभग सेवरल ईयर्स में डिजीजेस को स्प्रेड किया, टाइफाइड डिजीज को स्प्रेड किया। और इनके द्वारा जो भी फूड्स प्रिपेयर्ड किया जाता था उस फूड के प्रिपरेशंस के द्वारा ये इस डिजीज़ को, दैट मीन्स टाइफाइड डिजीज़ को स्प्रेड करते थे। इनके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे बैक्टीरियाज लाइक स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस के थ्रू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज निमोनिया। कुछ बैक्टीरिया हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसके द्वारा निमोनिया डिजीज होती है। इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट एल्वियोली एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन। ये जो निमोनिया होता है इसमें जो ह्यूमन का एल्वियोली होती है, लंग्स होती है, वो पूरी तरीके से इन्फेक्ट होता है। द एल्वियोली गेट फिल्ड विथ फ्लूड लीडिंग सेवर प्रॉब्लम्स इन रिस्पायरेशन। और जब एल्वियोली पूरी तरीके से फिल्ड हो जाती है तो उसके थ्रू उसके द्वारा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड, जो निमोनिया है उसके जो सिम्टम्स हैं वो है फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। इन सेवर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे एंड ब्लूइश कलर। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो नेल्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, ये ब्लूइश ग्रे टू ब्लूइश कलर्स चेंज हो जाते हैं। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शंस ऑफ बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन इवन शेयरिंग
glasses and utensils within an infected person, dysentery, plague, diphtheria, etc. are some of other bacterial diseases in humans, in men. हम देखेंगे जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनमें भी ये डिजीज़ पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है जब जो पेशेंट्स होता है वो इनहेलिंग्स करता है तो उसके जो एयर्स के बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होती है जो एक्सहेलिंग एयर ड्रॉपलेट्स होती है उसके थ्रू वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड पर्सन्स की जो ड्रॉपलेट्स होती है उसके थ्रू ही फैलती है। इनके अलावा जब वो अपने बर्तन या ग्लासेस को शेयर करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में शेयर किया जाता है तो इनके द्वारा भी निमोनिया डिजीज़ फैलने के चांसेस रहते हैं। इनके जो कुछ सिम्टम्स हैं वो पूरी तरीके से हमने जान लिया है। इनके अलावा कुछ और डिजीज़ जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है उनमें डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलते हैं। इनके अलावा हम और भी कुछ डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो ह्यूमंस में फैलती है। उनमें मेनी वायरसेस, ठीक है, कुछ अब हम यहाँ से कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि जो वायरल डिजीज़ होती है वो वायरल डिजीज़ कैसे स्प्रेड्स होती है। उनमें हम देखेंगे इसमें देखेंगे मेनी वायरसेस आल्सो काज डिजीजेज इन ह्यूमन बीइंग्स। राइनो वायरसेस रिप्रेजेंट वन ऑफ सच ग्रुप्स ऑफ वायरसेस विच काजेज वन ऑफ मोस्ट इन्फेक्टियस ह्यूमन एलिमेंट्स। हम देखते हैं जो वायरसेस है, वायरसेस जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे डिजीज स्प्रेड करते हैं। उनमें वायरसेस की एक ग्रुप है राइनो वायरस जो ह्यूमन में बहुत सारे डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं और ये बहुत सारी इन्फेक्टियस डिजीज़ को भी काज करते हैं। इन्फेक्टियस एलिमेंट्स जो बीमारी होती है ह्यूमन में वो फैलाते हैं। एक डिजीज़ है द कॉमन कोल्ड, दे इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी फेसेस बट नॉट द लंग्स। जो कॉमन कोल्ड होता है ये अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करते हैं, नोज और रेस्पिरेटरी फेसेस को, पाथ को, लेकिन लंग्स को प्रभावित नहीं करते हैं। कॉमन कोल्ड इज़ करेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशंस एंड डिस्चार्ज। ये जो कॉमन कोल्ड होता है इनमें पूरी तरीके से जो अपनी नेजल फायरिंग्स होती है वो कंजेस्टेड होने लगता है, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती है, और जो अपना नोज होता है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज होने लगता है। शोर थ्रोट्स एंड हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये इसके सिम्टम्स है विच यूजुअली लास्ट 3 to 7 days, जो लगभग 3 to 7 दिनों तक रहती है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू आइदर इनहेल्ड और डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेंस, बुक्स, कफ, डोर नोव्स, कंप्यूटर की बोर्ड्स, माउस एंड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन्स। इनके अलावा ये डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग 3 to 7 दिनों तक रहता है ये, और इनमें हम देखेंगे इनकी जो नोज होती है वो डिस्चार्ज करती रहती है, तो इसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है जब ये कफ या स्नीज करते हैं तो उस टाइम क्या होती है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे व्यक्ति में भी ये फैल जाता है, या फिर और भी इनहेलिंग या डायरेक्टली टच में जाते हैं, या फिर डिफरेंट जो कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट होती है उसको शेयर करते हैं, पेंस, बुक्स, कप, कीबोर्ड्स, कंप्यूटर की, माउस, इन सारों के थ्रू भी डिजीज़ फैलती है। इनके अलावा हम कुछ और डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, वो है सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कास्ड बाई प्रोटोजोन्स टू। कुछ ऐसी भी डिजीज़ होती है जो डिजीज़ प्रोटोजोन्स के थ्रू भी फैलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। प्रोटोजोन्स के थ्रू भी बहुत सारी डिजीज़ फैलती है जी, हमने मलेरिया के बारे में सुना होगा। ये डिजीज़ जो होती है वो इससे लगभग बहुत सारे लोग प्रत्येक साल में फाइट करते हैं, दैट मीन्स ये डिजीज़ बहुत सारे लोगों को होता है। ये जो डिजीज़ होती है
इसको ये मलेरियल पैरासाइट्स के थ्रू फैलता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, दैट मीन्स ए प्रोटोजोन्स प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलता है। जो प्लाज्मोडियम है ये बहुत ही टाइनी प्रोटोजोन्स है, जो इस डिजीज़ की रिस्पांसिबल होती है, स्प्रेड्स करती है। डिफरेंट स्प्रेड्स ऑफ प्लाज्मोडियम वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ये सारी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ को स्प्रेड्स करती है और डिफरेंट टाइप की मलेरिया को काज करते हैं। इनके अलावा अब दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कास्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम ऑफ मोस्ट सीरियस एंड वन ऑफ कैन इवन अ फेटल। इनके अलावा मैलिग्नेंट मलेरिया को काज करता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, जो मोस्ट सीरियस मलेरिया होता है, जिससे लगभग बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और ये फेटल भी हो सकता है। इनके अलावा हम देखेंगे जो मलेरिया होते हैं, मलेरिया हमने जाना कि ये प्रोटोजोन्स के थ्रू फैलता है। इनके अलावा हम ये देखेंगे कि जो इनके पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, जो डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं वो होता है प्लाज्मोडियम, लेकिन इनके जो वेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू ये डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, वो होता है बाइट फ्रॉम द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, जब हमें फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो पूरी तरीके से बाइट करती है तो उसके थ्रू ये डिजीज़ पूरी तरीके से फैल जाता है। इनके हम कुछ सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो सिम्टम्स इनका होता है हाई फीवर, हेडेक, नोज़िया, इनके अलावा मसल पेन, वोट्स ऑफ फीवर, सीवरिंग अटैक्स। ठीक है, मतलब ये तीन फेजेस में होता है, हॉट फेजेस, कोल्ड फेजेस और फिर सीवरिंग। ठीक है, मतलब कांप कपी भी हो जाती है, बहुत तेज़ बुखार होता है लोगों को, ठंडक भी बहुत लगने लगती है। तो ये इनके सिम्टम्स होते हैं। इनके कुछ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स के बारे में अगर हमें बताया जाएगा तो हम देखेंगे कि जो प्रिवेंशन इसकी होती है तो हमें पूरी तरीके से नेट्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें पूरी तरीके से जो मलेरियल पैरासाइट्स हैं वो हमारे पास ना पहुंच पाएँ, या फिर जो वेक्टर्स हैं फीमेल एनाफिलीज है वो हमको वाइट ना करने पाए। इनके अलावा उस पेशेंट्स को पूरी तरीके से ये चाहिए कि वो लंबे समय तक बेड रेस्ट करें और बहुत सारी एंटी मलेरियल ड्रग्स को यूज़ करना चाहिए उसको, जिसके थ्रू वो पूरी तरीके से हेल्दी रह सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल्स होती है, जो प्लाज्मोडियम्स होता है वो ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइट्स के थ्रू पूरी तरीके से फैलता है, जब फीमेल एनाफिलीज उसको बाइट करते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं वो इनिशियली मल्टीप्लाई करने लगते हैं और लीवर सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये रेड ब्लड सेल्स पर भी पूरी तरीके से अटैक करते हैं, रिजल्टिंग्स ये होती है कि आरबीसी रप्चर्ड कर जाती है। जो रप्चर्ड आरबीसी होती है ये एसोसिएटेड होती है जिसमें बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने लगते हैं हेमोजॉइन, जो रिस्पांसिबल होती है चिली एंड हाई फीवर्स की, जो लगभग 4 दिनों तक उस व्यक्ति को बहुत तेज़ी के साथ चिल फीवर्स रहती है। जो फीमेल एनाफिलीज होती है वो मॉस्किटोज होती है, वो इन्फेक्टेड पर्सन्स को वाइट करती है और उसको वाइट करने के बाद किसी हेल्दी पर्सन्स को वाइट करती है, तो इसके थ्रू वो जो डिजीज़ होती है वो पूरी तरीके से फैल जाती है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो पूरी तरीके से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इनके अलावा जो ह्यूमन इनकी जो स्पोरोजॉइट्स होती है वो स्टोर हो जाती है सेलेब्रिक लाइन्स में, और जब ये मॉस्किटो जो होती है वो ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स को पूरी तरीके से बॉडी में इंटर कर जाती है, और जिसके बारे में एबब में पूरी तरीके से बता दिया गया है। जो मलेरियल पैरासाइट्स होती है उसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो पहला होस्ट होता है वो होता है ह्यूमन और दूसरा होस्ट होता है मॉस्किटो होती है, और जो कंप्लीट लाइफ साइकिल जो इसकी होती है मलेरियल पैरासाइट्स की या फीमेल एनाफिलीज की, उसको हम फिगर नंबर 8 में देखेंगे। जो मॉस्किटो है वो वेक्टर है, मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट्स है जो इस डिजीज़ को काज करता है। ठीक है, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम कल के वीडियोज़ में देखते हैं।
तब तक आप इतना पढ़िए। ओके।